हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दिन पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर में हम एमए हिस्ट्री MHI 09 का लेसन 10 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे गांधी के उदय के बारे में। साउथ अफ्रीका से लेकर भारत को आज़ादी मिलने का जो सफर रहा, उसके बीच में गांधी जी बने कैसे, उसके बारे में इस चैप्टर के अंदर में डिस्कस करने वाले हैं। और इस चैप्टर को हम दो पार्ट में कवर करेंगे। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा, ये पार्ट वन रहेगा। पार्ट वन के अंदर में हम बात करेंगे गांधी जी के राजनीतिक दर्शन के बारे में ऑन द बेसिस ऑफ दक्षिण अफ्रीका एक्सपीरियंस। गांधी जी ने जो समय बिताया दक्षिण अफ्रीका के अंदर में, उसके आधार पर गांधी जी का अनुभव किस प्रकार का रहा, एक्सपीरियंस किस प्रकार का रहा, और भारतीय राजनीतिक में अपने राजनीतिक एक्सपीरियंस का अनुभव का किस तरह से उपयोग किया, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं, गांधी जी 1893 से लेकर 1914 तक अफ्रीका के अंदर में रहे थे, और 1914 के बाद भारत में गांधी जी आए थे। अब भारत में जब आए गांधी जी, तब उनका जो भी एक्सपीरियंस था साउथ अफ्रीका के अंदर में राजनीतिक का, किस तरह का वहाँ माहौल था, किस तरह के वहाँ पे पॉलिटिकल एनालाइज किया उन्होंने, वो सब कुछ यहाँ पे भारत के अंदर में उपयोग किया। पर यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले साउथ अफ्रीका की स्थिति किस प्रकार की थी, और साउथ अफ्रीका के अंदर में क्या राजनीतिक दर्शन उन्होंने विकसित किया। राजनीतिक दर्शन का मतलब ये हो जाता है राजनीतिक विचारधारा, ठीक है, एक तरह से पॉलिटिकल जो उनकी आइडियोलॉजी थी, किस तरह से विकसित हुई, क्या कार्य करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए, क्या चीजें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, किस तरह से विकसित हुई, क्या विकसित हुई, उसके बारे में इसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 1893 से लेकर 1914 तक दक्षिण अफ्रीका के अंदर में गांधी जी थे। उस दौरान में उन्होंने नोट किया कि जो भी उपनिवेशिक शासक है, ठीक है, वो स्थानीय लोगों का शोषण कर रहा है, साथ साथ में वहां पे नस्लीय भेदभाव, रंग भेदभाव, नस्लीय भेदभाव बहुत ज्यादा है, और लोग उसके विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं, ये उन्होंने देखा। अब देखो, उपनिवेशिक शासक यहाँ पे हम जब बात करते हैं ना, तो भारत जिस तरह से 200 सालों तक ब्रिटिश सरकार का गुलाम रहा, जिस तरह हम अंग्रेजों के गुलाम बने हुए थे, सेम उसी तरह से उपनिवेशिक तौर पे जो दक्षिण अफ्रीका था, पूरा अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है, वो भी कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार का गुलाम था, और वो गुलामी के दौर में गुजर रहा था। तो जो वहां के स्थानीय लोग थे, उनको भी ये चीजें फेस करनी पड़ती थी। भारत के अंदर में भी सेम स्थिति थी, जिसके बाद ये देखा गया कि 1914 में जब गांधी जी भारत आते हैं, तो भारत के अंदर में अपने राजनीतिक दर्शन जो वहां पे दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने सीखा, जो उनकी लर्निंग थी, वो भारत के अंदर में उन्होंने उपयोग करी। यहाँ पे अब गांधी जी ने जब देखा कि स्थानीय लोगों का शोषण हो रहा है, नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध लोग संघर्ष कर रहे हैं, तो उसके बाद गांधी जी ने अपनी एक आइडियोलॉजी विकसित करी, राजनीतिक दर्शन विकसित किया, जिसमें उन्होंने लोगों के सामने रखा सहनशील प्रतिरोध का विचारधारा। सहनशील प्रतिरोध क्या होता है, कि सहते हुए विरोध करना, ठीक है। दूसरा चीज ये हुआ रखा उन्होंने कि सवनीय अवज्ञा आंदोलन। सवनीय अवज्ञा आंदोलन मतलब क्या, मतलब आशा से, मतलब झुक कर थोड़ा सा किसी चीज के लिए मना करना, कोई भी रूल रेगुलेशन है उसको मना करना, निम्र होकर, ठीक है, मना करना, इसके बारे में बात की गई। सवनीय अवज्ञा आंदोलन यहाँ पे गांधी जी ने स्टार्ट किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा साउथ अफ्रीका के अंदर में, और बहुत ज्यादा चला भी, ठीक है। उसके बेसिस पे लोग वहां पे अंग्रेजों के जो उपनिवेशिक सरकार था, उपनिवेशिक शासक थे, उसके विरुद्ध वो खड़े हो पाए, उसके विरुद्ध वो आवाज उठा पाए। आगे मैं बात करूं, 1893 में गांधी जी अटर्नी के रूप में दक्षिण अफ्रीका के अंदर में कानूनी सलाहकार के पद पे कार्य करने के लिए डरबन जाते हैं, और वो डरबन में अपना कार्य करना स्टार्ट करते हैं। वहां पे जो रहने वाले भारतीय लोग थे, तो उन्होंने उनको देखा, उनकी जो दशा थी बहुत ज्यादा दुर्दशा के अंदर में बीत रही थी, उनकी दशा खराब थी। गांधी जी ने उसको देखा, उसको एक्सपीरियंस किया, जो उनका अनुभव हुआ, एक्सपीरियंस हुआ, उसके बेसिस पे उन्होंने नक्सलीय भेदभाव के कारण से जो भारतीयों का अपमान सहना पड़ रहा था, जो कष्ट सहना पड़ रहा था, उसके विरुद्ध उन्होंने सोचा कि यहाँ पे कुछ चीजें करने की जरूरत है। यहाँ पे उन्हें एक अच्छा अवसर मिला, मौका मिला, जहाँ पे वो अपनी जो विचारधारा है सहनशील प्रतिरोध और सत्याग्रह के प्रयोग का, उसका उन्होंने स्टार्ट किया कि हम यहाँ पे सत्याग्रह का प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ पे जो हमारा सवनीय अवज्ञा आंदोलन है उसका प्रयोग कर सकते हैं, सहनशील प्रतिरोध का प्रयोग कर सकते हैं, कि सहते हुए उसका विरोध किस तरह से किया जाए, निम्र होकर हम किस तरह से उसकी किसी चीज को मानने से मना कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई, ठीक है। तो यहाँ पे गांधी जी के मन में यहाँ पे आइडिया आता है, उन चीजों को देख करके किस तरीके से हम इनके विरुद्ध खड़ा हो सकते हैं। साथ साथ में आगे हम बात करें तो नॉर्थल इंडिया कांग्रेस की स्थापना 1894 में की जाती है गांधी जी के द्वारा, जिसमें उन्होंने एक समाचार पत्र द इंडियन ओपिनियन शुरू करते हैं। तो साउथ अफ्रीका की हम बात कर रहे हैं, वहां पे द इंडियन ओपिनियन करके उन्होंने एक समाचार पत्र शुरू किया। नॉर्थल इंडिया की स्थापना पहले, और नॉर्थल इंडिया कांग्रेस की स्थापना 1894 में हुई, और उसके बाद यहाँ पे गांधी जी ने द इंडियन ओपिनियन करके अखबार शुरू किया। इसके अंदर में क्या था कि नॉर्थल इंडियन ब्रिटिश तथा भारत की जो भी सरकारें थी, उनकी याचिका मसौदा देकर समाचार पत्रों में टिप्पणी के माध्यम से भेदभाव नीति के विरुद्ध वहां पे उनको जागृत करता था, वहां स्थानीय लोगों के ऊपर में दबाव बनाने का, सरकार के ऊपर दबाव बनाने का कोशिश करता था। जैसे वो क्या करता था, अलग अलग जो भी सरकारें हुआ करती थी, जैसे ब्रिटिश सरकार हो गई, भारत के अंदर में जो वर्क करने वाली सरकार है,
वो भी गुलामी के दौर की हम बात करें कि भारत के अंदर में भी एक उन्हीं की सरकार थी, पर उनको जागरूक करने के लिए कि देखो यहाँ पे भारत के अंदर में स्थिति ऐसी है, ब्रिटिश के अंदर में स्थिति ऐसी है, पर साउथ अफ्रीका के अंदर में इस तरह की चीजें चल रही है, रंगभेद नीति चल रही है, नस्लीय भेद चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे लोगों का शोषण हो रहा है, तो ये सब चीजें अखबार में डाला गया, टिप्पणी की गई, और उसके बेसिस पे क्या होता था, अलग अलग जगह भेजा जाता था। और मेनली रीजन क्या होता था कि सरकार पे किस तरह से हम दबाव डाल सकते हैं, सरकार के को किस तरह से हम नीचे झुका सकते हैं, इसके बारे में बात की जाती थी। ठीक है, आगे मैं बात करूं दक्षिण अफ्रीका के अंदर में जो भारतीय व्यापारी थे उनके ऊपर भी अत्याचार किया जा रहा था। उन्होंने 1885 में ट्रांसवाल लॉ नंबर 3 का उपयोग गलत माना, एक लॉ लाया गया था ट्रांसवाल कॉलोनी के अंदर में, जिसके अंदर में जो भी व्यापारी थे उनका एक सर्वे होना था, उनका एक रजिस्ट्रेशन पंजीकरण होना था, उसके बेसिस पे यहाँ पे ट्रांसवाल लॉ नंबर 3 लाया गया था, जिसको वहां के लोगों ने गलत माना, क्योंकि भारतीय व्यापारी स्वतंत्र रूप से कहीं भी व्यापार नहीं कर सकते थे और ना ही रह सकते थे, वहां पर रहना भी अलाउ नहीं था, नहीं वो व्यापार कर सकते थे, कुछ भी नहीं कर सकते थे। ये था जिस तरह से एक ये हिसाब किताब रखने के लिए कि कितने भारतीय लोग यहाँ पर रहते हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उसको यहाँ पर देखने के लिए ट्रांसवाल कॉलोनी के अंदर में ट्रांसवाल लॉ नंबर 3 को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके अंदर में एक तरह से रजिस्ट्रेशन करना था कि क्या चीजें किस तरह से चल रही है। साथ साथ में आप बात करोगे यहाँ पे आगे, तो इसका विरोध करने के लिए 1000 से अधिक भारतीयों ने सिग्नेचर करते हैं, और सिग्नेचर करके याचिका देते हैं औपनिवेशिक सेक्रेटरी को, जो वहाँ का औपनिवेशिक शासक होता है, सेक्रेटरी होता है, ठीक है, साथ जो मतलब नीचे में वर्क करने वाले लोग वहाँ पे सेक्रेटरी को एक हैंड रिटन देते हैं साइन करके 1000 लोग, कि हाँ देखो हम इसके विरुद्ध हैं, ये गांधी जी भी इसके खिलाफ आगे बोलते हैं और आगे उनको आगे कार्रवाई पे बोलते हैं। जिसके बाद ये जब दी जाती है 1000 लोगों के द्वारा साइन करके दिया जाता है, तो उसका इम्प्रूवमेंट क्या होता है कि ट्रांसवाल लॉ ने सरकार को भारतीयों के खिलाफ एक नया अधिनियम बनाया, उसके अंदर में थोड़ा सा चेंजेस किया, नए अधिनियम के लिए बनाया। इस अधिनियम में उपनिवेश की भारतीय जनसंख्या का पंजीकरण के लिए विवश किया गया। अब देखो पहले कुछ और था, अब उसके बाद में एक नया नियम बनाकर क्या किया गया कि जो भी भारतीय लोग थे उनको मजबूर किया गया जनसंख्या पंजीकरण के लिए, कि आप कितने लोग रहते हो यहाँ पर वो हमें पता चले, इसके लिए यहाँ पे मजबूर किया गया। जोहानसबर्ग के अंदर में जन विरोध बैठक की अध्यक्षता करते हुए गांधी जी ने सर्वप्रथम विरोध में सिद्धांत सत्याग्रह का व्यवहार में लाया। जो उनका सिद्धांत था सत्याग्रह, कि सत्य के लिए हम लड़ेंगे, सत्य के राह पे चलेंगे, ठीक है, जो भी होगा हम सत्य बोलेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन, हम किसी को लड़ेंगे नहीं, अहिंसा नहीं करेंगे, झुक कर निम्र होकर हम क्या करेंगे उसको उसके विरुद्ध खड़े होंगे, उसको चीजों को मान्य सम्मान कर देंगे, अवज्ञा करेंगे, उसकी आज्ञा नहीं मानेंगे, इसका जो उनकी आइडियोलॉजी थी वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहली बार जोहानसबर्ग के अंदर में जब पहली बार अध्यक्षता करते हैं, मीटिंग करते हैं, तो उसके अंदर में ये आइडियोलॉजी वो इंट्रोड्यूस करते हैं। आगे यहाँ पे हम बात करें तो जन विरोध बैठक में शामिल प्रदर्शनकारियों के ऊपर में हिंसा एवं विरोध न करने को कहा गया। जो भी प्रदर्शन के अंदर में शामिल था, जैसे अब लोगों का क्या होता है कि जब इस तरह की चीजें होती है ना तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाता है कि यार अब मार देंगे, काट देंगे, ये होने लग जाता है। तो गांधी जी जैसे कि आप उनकी आइडियोलॉजी को पहले से जानते हैं कि अहिंसावादी थे, कि वो कभी भी हिंसा को सपोर्ट नहीं करना चाहते थे, ठीक है, कि हिंसा करना है, ये करना है, ऐसा नहीं। तो उन्होंने सबसे पहले तो यहाँ रिक्वेस्ट करी कि जो भी प्रदर्शनकारी इसमें यहाँ पे है वो हिंसा ना करे, किसी तरह से विरोध ना करे, जो भी चीज है ना उसको निम्र होकर आज्ञा को नहीं मानना है, उसको विरोध करना है, बट ऐसा ना हो कि हिंसा से विरोध करना स्टार्ट कर दे, हथियार उठा ले। इसके ऊपर में उन्होंने सख्त टिप्पणी करी। साथ साथ में आप देखोगे कि इसके स्थान पर जो नए कानूनों की उपेक्षा करना, जो नए कानून है ना उसको मान्य से मना कर देना, ऐसे करने को सजा भुगतने को तैयार रहना। जैसे मान लो कोई कानून अंग्रेजों ने इंट्रोड्यूस किया, ये कानून सभी को करना है, टैक्स सबको देना है, मान लो भारत के एंगल से अगर मैं बताऊं तो टैक्स सबको देना है, ये बोला गया, तो गांधी जी ने बोला कि हम सवनी अवज्ञा आंदोलन करेंगे, निम्र होकर हम उसको मान्य से मना कर देंगे। तो हमने बोला भैया देखो बात ऐसी है कि मैं टैक्स नहीं दूंगा, ये हमने बोल दिया उन्हें, हम नहीं दे सकते टैक्स, खत्म बात, ठीक है। तो आप टैक्स नहीं दोगे तो क्या होगा, आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, आपको सजा दिया जा सकता है, आपको जेल में डाला जा सकता है, आपके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है, अलग अलग तरह की चीजें हो सकती है, तो उसके लिए आप रेडी रहो बट उसकी चीजें मत मानो, ये कहा गया। और यही चीज भारत के अंदर में भी एप्लीकेबल किया गया था। यहाँ पे जो संघर्ष था लंबे समय तक चलता रहा, गांधी सहित हजारों भारतीयों को जेल में डाला गया दक्षिण अफ्रीका के अंदर में भी, ठीक है। कई लोगों द्वारा सजा पाने के बावजूद भी लोगों ने पंजीकरण के विरुद्ध अपना संघर्ष जारी रखा। जो भी लोग सजा मिल रहा था ना, कई बार क्या होता है भारत के अंदर में देखोगे, आज के समय में देखोगे तो अगर लड़ाई हो रहा है कहीं पे, कुछ हो रहा है, तो अगर एक व्यक्ति पीट रहा है या कुछ भी हो रहा है ना, एक के साथ में गलत हुआ, तो जो बाकी 100 लोग है ना देखने वाले वो भाग जाते हैं।
पर यहाँ पे क्या हुआ कि कई लोगों के जो पंजीकरण के विरुद्ध में सजा पाने के बाद भी जो बाकी जो लोग थे, अन्य लोग थे, वो उसके विरुद्ध अपना आवाज उठा रहे थे, उसके विरुद्ध संघर्ष अपना जारी रख रखे थे, जिसके कारण से क्या होता है कि चारों ओर अशांति फैल जाती है, चारों ओर अशांति फैल जाती है। जो अफ्रीकन जर्नल जॉन क्रिस्टन होते हैं, क्रिस्टियान होते हैं, वह भी डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, और वो गांधी जी को मजबूरी से समझौता करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, मजबूरी में ना गांधी जी के साथ समझौता करने के लिए रेडी हो जाते हैं, भैया चलो समझौता करते हैं और यहाँ पे इसको खत्म करते हैं। अफ्रीकन सरकार भी प्रदर्शनकारियों से मांग को स्वीकार करना पड़ जाता है। जो प्रदर्शनकारी थे, जिनकी जो डिमांड थी, वो अफ्रीकन सरकार झुकती है और उनकी डिमांड को एक्सेप्ट कर लेती है कि चलो जो भी आपकी डिमांड है वी विल एक्सेप्ट इट। ठीक है, इस तरीके से आगे बात बढ़ जाती है। अफ्रीका के अंदर में इस तरह सफलता का राज जन लामबंदी और शांतिपूर्ण विरोध था। गांधी जी का जो उन्होंने आइडियोलॉजी अपना यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, उसके बेसिस पे आप ये कह सकते हो कि जन राज जन लामबंदी और शांतिपूर्ण विरोध के तौर पे इसको जाना गया, जिससे अहिंसा का मार्ग नहीं अपनाया गया। ठीक है, अहिंसा का मार्ग अपनाया गया और इसके अंदर में दक्षिण अफ्रीका के जन सत्याग्रह को फलदायी हुआ। जो सत्याग्रह का जो उनका आइडियोलॉजी था वो ज्यादा फ्रूटफुल हुआ यहाँ पे, ये माना गया। ठीक है, यही नहीं कि गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व प्रदान करने के लिए शक्ति का आत्मविश्वास भी मिला। ठीक है, लोगों की पावर होती क्या है वो भी यहाँ पर उनको समझ में आ जाता है। पैसे तो आप देखोगे ना, ये तो थोड़ा सा एक नॉर्मल अलग यहाँ पे इशू था, अलग यहाँ पे स्थिति थी, अलग चीजें थी, पर भारत के अंदर में जो चीजें चल रही थी वो काफी ज्यादा अलग था। वहां पे गांधी जी को एक नए एक्सपीरियंस, नई चीजों के साथ में आना था। जहां पे सबसे पहली बार जब गांधी जी चंपारण आंदोलन के अंदर में जाते हैं, तो जो लोग होते हैं, लोग किस तरह से सपोर्ट करने के लिए आते हैं, लोगों की पावर क्या है और सरकार किस तरह से लोगों के आगे झुक जाती है, इसके बारे में समझ में आता है। गांधी जी को लोगों की पावर समझ में आता है, जिसके बाद जो भारत की आजादी का जो सफर है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। ठीक है, तो ये आपका पूरा ये वाला टॉपिक रहने वाला है। इसमें नॉर्मल क्वेश्चन ये बनकर आता है कि जो गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका का एक्सपीरियंस था, अनुभव था, उसके बेसिस पे आप राजनीतिक दर्शन को बताइए गांधी जी का। गांधी जी का उदय हुआ कैसे, राइज ऑफ गांधी है क्या ऑन द बेसिस ऑफ दक्षिण अफ्रीका। अब देखो यहाँ पर गांधी जी को ये समझ में आ गया कि ये मेरी विचारधारा थी। ठीक है, कि सहनशील प्रतिरोध का, सविनय अवज्ञा आंदोलन का, सत्याग्रह का, ये मेरी विचारधारा थी। ठीक है, मैं इसको मानता था कि ऐसा ऐसा चीजें होना चाहिए, लड़ाई झगड़े सब चीज सॉल्व आउट नहीं होता है, तो ये इनकी विचारधारा थी। जब पहली बार इस विचारधारा को साउथ अफ्रीका के अंदर में, दक्षिण अफ्रीका के अंदर में इंट्रोड्यूस किया, लोगों के बीच में रखा कि इस तरीके से हम लड़ सकते हैं, इस तरीके से हम अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं और हम जीत सकते हैं, जब इस तरह की स्थिति बनी और वो जीत भी गए, ठीक है, तब यहाँ पे ये समझ में आता है कि ये विचारधारा इंपॉर्टेंट है। और यही जब भारत के अंदर में आते हैं तो भारत भी उपनिवेशी गुलाम था, भारत के अंदर में भी स्थिति कुछ इस तरह से की ही थी। ठीक है, बस थोड़ी अलग कंडीशन, अलग चीजें थी, तो भारत भी उपनिवेशी गुलाम था, तो ये चीजें तय की गई कि यहां से हम ये चीजें स्टार्ट कर सकते हैं। और सबसे पहला चंपारण आंदोलन किया गया, जहां पर गांधी जी ने इसका उपयोग किया, लोगों की पावर को समझा। ठीक है, जिसके बाद गांधी जी बन पाते और पूरे भारत में फेमस हो पाते हैं कि हाँ ये गांधी जी थे, इनकी अलग अलग जगह डिमांड हुई, अंग्रेज उसके लिए कांपते थे कि किस तरह से गांधी है, क्या कर रहा है। ठीक है, ये चीजें चलने लग जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वीडियो एंड करूंगा, बट रिक्वेस्ट यही करूंगा आप सभी व्यूवर से, जो भी व्यूवर्स हमें देख रहे हैं और अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगती है, अगर आपको चीजें समझ में आ रही है, तो आप हमारे चैनल द ईनब और नब इन्फो को जरूर सब्सक्राइब करें। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे डायरेक्टली जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, ये सब्सक्राइब करने के लिए इसमें मैं बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे वीडियोस को देखते हैं, कमेंट करते हैं, बट सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइबर्स का जो नंबर है वो बहुत ज्यादा नीचे गिरता जा रहा है, तो प्लीज आप सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले, हम वीडियो टाइमली डाल सके और आपको डेली अपडेट कर सके, ये इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक रिक्वेस्ट ये भी करूंगा कि अगर आपको नोट्स चाहिए तो डायरेक्टली आप ब्लॉगर पे से ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर में गूगल ब्लॉगर का लिंक है, गूगल ब्लॉगर के लिंक पे से आप डायरेक्टली जाके नोट्स ले सकते हो। तो चलिए यहाँ पर वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।